ओम शांति 10/8/2021 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की दो सौगातें मिलती हैं। प्रश्न, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो, सच्ची नंस किसे कहेंगे? उत्तर, सच्ची नंस वह जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन। वे अपने को भल नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में है दो और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है पवित्र रहना है। गीत, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता, भल कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वह है ब्राह्मणों का बाप। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब यह बातें कोई मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा यह शरीर लेती है। अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं। इसलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं, कहते हैं फलाने की आत्मा आओ या भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। पहले पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। जिसमें यह विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी। यह तो समझते हो बरोबर, भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन है, यह भी कहा जाता है देवी देवता। राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। यह बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना। यह आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे चैन शांति हो। वह तो है सुख धाम और शांति धाम। यहाँ बड़े बेचैन है, सतयुग में बेचैनी होती नहीं। आत्मा जानती है बाबा बगैर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते हैं। बाप कहते मुक्ति और जीवन मुक्ति यह दो सौगातें मैं कल्प कल्प लाता हूँ, परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना ही है, सब भूल जाए तब तो मैं आऊं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वह पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे। त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाए। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में यह कौन थे किसको पता नहीं है। अगले जन्म में यह ब्राह्मण थे, उससे पहले शूद्र थे। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। अभी तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे। बाबा हमको वह रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पतित हैं इसलिए बेचैन हैं, दुखी हैं। जहाँ चैन हो उसको सुख शांति कहते हैं।
तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। समझते हो बरोबर सतयुग में भारत कितना सुखी था, दुख अथवा बेचैनी का नाम नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के और वह है आसुरी संप्रदाय के। कहते हैं ना पाप आत्मा, आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है, सब ब्रदर्स हैं, सब परमात्मा हो नहीं सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया है यह सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है, पर छोटे छोटे टापू होते हैं। इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं, वह तो सिर्फ कहानियां सुनाते रहते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता, उनसे मनुष्य सदगति को पा नहीं सकते। ज्ञान से सदगति मिलती है। ज्ञान देने वाला है एक बाप, दूसरा ना कोई। भक्तों के भगवान ही आकर रक्षा करते हैं, मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे, बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं, बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है, पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं, देवताओं के लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे, वहां विकार होते ही नहीं, वह है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत पवित्र था, यह अभी तुम समझते हो। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ है तो गिरते आए हैं। अभी तो कोई काम के नहीं रहे, एकदम कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हो। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था, अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का किसी को पता ही नहीं है, पाप करते रहते हैं, वहां तो पाप का नाम नहीं। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो, देवताओं के ढेर चित्र हैं, और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उनको नंस कहा जाता है। नंस माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए कहते नन बट क्राइस्ट। ब्रह्मचारी रहते हैं। तुम भी नंस हो, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नंस बनती हो, एक ही बाप को याद करती हो। नन बट वन, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। उन्हों की बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वह गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं। तुम बच्चों को नॉलेज है, सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, यह कोई नहीं जानते। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं, समझते वह हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाप कहते मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है, जो हर एक के दिल को बैठ रीड करूंगा। हम आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे। गाया हुआ है देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठते थे, वहां अमृत बांटा जाता था। कोई विकार में जाकर फिर छिप कर आए बैठते तो वह असुर हुए ना, आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपनी ही सत्यानाश करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो छुपकर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़े ही जाते हैं, परंतु विकार में जाते रहते हैं। यह गोया अपने को ठगते हैं, अपनी ही सत्यानाश करते हैं। परमपिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है,
उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था और विकार में जाता रहता था। पूछा जाता था, जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों हो? कहता था, आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। पवित्रता अच्छी लगती है, परंतु रह भी नहीं सकता हूँ। आखिरी तो सुधर जाऊंगा, नहीं आऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। बाप समझाते हैं कि तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे। पावन जो बनते हैं उनको पतित से जैसे घृणा आती है। कहते हैं, बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। बाप ने युक्ति भी बताई है, खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे। फिर युक्ति से चलाना होता है, कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं। पवित्र कैसे रहेंगे, यह तो कब सुना नहीं। सन्यासी भी रह नहीं सकते, जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र रह सकते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं कि यहाँ पतित पावन परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। नहीं मानते इसलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मातन में आते हैं और कोई शास्त्र दिखाओ, यह तो गीता में लिखा हुआ है। मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, वह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, यह तो लिखा हुआ है। फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे? पतित तन में ही आकर रास्ता बताएंगे ना। आगे भी आए थे और कहा था, मामेकम याद करो, वही परम धाम में रहते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा जो कहे मामेकम याद करो। एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इसलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा ना, पतित भी आत्मा ही बनती है। बाप कहते, तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अभी 9 कला बिल्कुल ही पतित बन गए हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ। तुम जो काम चिता पर बैठ पतित बन जाते हो, फिर ज्ञान चिता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, किसको भी चैन नहीं। अब बात कहते, दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है, ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे, नहीं, इतनी रेस कर ना सके, यह तो पढ़ाई की बात है ना। अज्ञान काल में हो सकता है आपस में बहुत प्रेम है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, वह तो है पतित विकारी मार्ग। पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है, दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में भी उनको थोड़े ही मालूम पड़ेगा। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो, यह छी छी शरीर छोड़ चले जाएंगे, तुमको यह अभी मालूम है। उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे, तुमको भी याद में वहां यह बातें याद नहीं रहेंगी, तुमको भी बाद में वहां यह बातें याद नहीं रहेंगी। अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विष्णु है देवता। प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ब्रह्मा सो देवता बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं यह अभी तुमने समझ लिया है। अभी तुम जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, अर्थात चैन में गया, बेचैनी में पतित रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, बाकी है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे, बाप की याद से तुम सतोप्रधान बनेंगे। यह आत्माओं की रेस है, जो जास्ती याद करेंगे वह जल्दी बनेंगे, यह है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट होते हैं, उनमें से जो नंबर वन निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी होंगे ना। अब तुमको यह पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। दूसरा, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। वरदान, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है सच तो बिठो नच। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं है लेकिन झूलना है, झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। स्लोगन, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही